कवि मिनी राम सेठिया। सभी सम्मानित मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज साझा परिवार, जो पहले परिवार हुआ इकट्ठे हुआ करते थे, उनके बारे में अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, एक ही छत पर परिवार के लोग सोते थे, छोटे मकान हुआ करते थे और सभी परिवार के सदस्य एक साथ ही एक ही छत पर सोया करते थे। एक ही छत पर परिवार के लोग सोते थे, मकान कच्चा खुला व हवादार होता था। एक ही छत पर परिवार के लोग सोते थे, मकान कच्चा खुला व हवादार होता था। साथ में उठना बैठना, साथ मिलकर खाना, साथ में उठना बैठना, साथ खाना मिलके, एक दूसरे को कितना, एक दूसरे का कितना दीदार होता था, एक दूसरे का कितना दीदार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था। पिता ताया चाचा सब साथ मिलकर रहते थे, पिता ताया चाचा सब साथ मिलकर रहते थे। दादा ही परिवार का मुख्तियार होता था, दादा ही परिवार का मुख्तियार होता था। गर्मियों में नाना नानी के घर जाने का, गर्मियों में नाना नानी के घर जाने का, छुट्टियां होने तक बड़ा इंतज़ार होता था। गर्मियों में नाना नानी के घर जाने का, छुट्टियां होने तक बड़ा इंतज़ार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। उस समय देखिए क्या था, तालीम बहुत कम थी, शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन किस प्रकार से हम आपस में साथ मिलजुल कर रहते थे। तालीम कम थी पर जीने का सलीका था। मित्रों, तालीम कम थी पर जीने का सलीका था, थोड़ी आमदनी में अच्छा गुजार होता था। तालीम कम थी मगर जीने का सलीका था, तालीम कम थी जीने का सलीका था, थोड़ी आमदनी में अच्छा गुजार होता था। पड़ोस के अंकल आंटी घंटों बातें करते थे, पड़ोस के अंकल आंटी घंटों साथ बिताते थे, कभी आपस में नहीं तकरार होता था। पड़ोस के अंकल आंटी घंटों साथ बिताते थे, कभी आपस में नहीं तकरार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, दादा दादी परिवार पर हुक्म चलाते थे। वो समा था जब दादा दादी का हुक्म परिवार के हर सदस्य पर चलता था, दादा दादी परिवार पर हुक्म चलाते थे, सभी बच्चों को उनसे बेहद प्यार होता था। लोहड़ी व होली सभी साथ मनाते थे, लोहड़ी व होली सभी मिलके साथ मनाते थे। खुशियों से भरा हर त्यौहार होता था, खुशियों से भरा हर त्यौहार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। मित्रों, अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, फेसबुक का, लेकिन उस समय की जो बात थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। व्हाट्सएप व फेसबुक का ज़माना ना था, व्हाट्सएप व फेसबुक का ज़माना ना था, बुजुर्ग को ही खबरों का अख्तियार होता था। व्हाट्सएप व फेसबुक का ज़माना ना था, बुजुर्ग को ही खबरों का अख्तियार होता था। घर आने वाले मेहमान की सभी कदर करते थे, घर आने वाले मेहमान की सभी कदर करते थे। मेहमान का कई दिनों तक मनुहार होता था, मेहमान का कई दिनों तक मनुहार होता था। वो समा था जब इकट्ठा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी होता था। मित्रों, उस समय एक ही पूरे मोहल्ले में एक ही ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, और उस समय रामायण टीवी देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी। पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी होता था, रामायण सीरियल का बड़ा खुमार होता था, रामायण सीरियल का बड़ा खुमार होता था। परिवार के किसी सदस्य की तकलीफ होने पर, परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ होने पर हर सदस्य दर्द बांटने को तैयार होता था, हर सदस्य दर्द बांटने को तैयार होता था। वो समय था जब इकट्ठा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। अब युवा होटल में बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, अब युवा होटल में बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं,
पहले घर में चूल्हे पर खाना तैयार होता था, पहले घर में चूल्हे पर खाना तैयार होता था, परिवार अब सेतियाँ बिखरने लगे हैं। अब परिवारों की स्थिति क्या है, एक एक दो दो मेंबर रहते हैं परिवारों में, और किस प्रकार से परिवार अब सेतियाँ बिखरने लगे हैं। वो समय कहाँ जब साझा परिवार होता था, सेतियाँ अब परिवार बिखरने लगे हैं। वो समय कहाँ जब साझा परिवार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था, सबका आपस में कितना प्यार होता था। वो समय था जब इकट्ठा परिवार होता था। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी प्रकार से हम और आप मिलकर इसी प्रकार से उन पुराने परिवारों की जो साझा परिवार था उसी परंपरा को निभाने का प्रयास करें।